अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से फिट फाट होंगे। तो जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं यूट्यूब पे दोबारा लॉग इन हुआ, मुझे पासवर्ड याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी गुड न्यूज़ ये देनी थी कि मैंने अपनी ड्रीम कार जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाय कर ली है। वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है और मैं अपने इमोशंस जो हैं वो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। तो बस ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप और उन सब के प्यार और दुआओं की वजह से ही हुआ है। तो अभी बस मैं इंशाल्लाह रिव्यू करता हूँ गाड़ी। यार जी, बहुत खूबसूरत लग रही है। कुछ बंदों ने तो थंबनेल से इसको जज कर लिया होगा कि ये कौन सी गाड़ी है। तो बाकी जो इंस्टाग्राम से हैं उनको तो पता होगा। तो गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, ये आप गाड़ी देखेंगे इस तरह। ये गाड़ी है जी, टोयोटा मार्क X250G। तो इसका फुल रिव्यू जो है वो भी मैं करूँगा। तो अभी चलते हैं इसकी ड्राइव पे, क्योंकि अभी मगरिब की अजानें भी हो रही हैं, तो रात भी होने लगी है। तो इससे पहले कि रात हो हम इसकी छोटी सी ड्राइव करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसका फुल रिव्यू भी दूंगा। तो अभी चलते हैं इसकी ड्राइव की तरफ। ड्राइव से पहले आप इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करें, उसके बाद फिर चलते हैं ड्राइव पे। तो जी बॉयज़, ये हमारा छोटी सी हमारी कॉलोनी है। तो ये अभी मैं जा रहा हूँ और ये हमारा छोटा सा प्ले ग्राउंड है कॉलोनी का। तो अभी चलते हैं इसकी ड्राइव पे भी। बाकी इसका इंशाल्लाह सारी मॉडिफिकेशंस कराएंगे और वो मैं आपको बताऊंगा अगले नेक्स्ट व्लॉग में कि भाई इसके अंदर आफ्टर मार्केट क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या हुआ हुआ है। तो बाकी उसके अलावा ये जो स्टेयरिंग है, इसके ये जो पार्ट्स हैं वुडन, इनको हमने कार्बन फाइबर करवाना है। उसके अलावा ये जो ट्रिम्स वगैरह, मतलब ये सारा ये हमने कार्बन फाइबर में करना है। उसके बाद रिम टायर तो इस गाड़ी को लगे हुए हैं, तो एज सच अभी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। इतनी जेब भी इजाज़त नहीं देती अभी कि मैं जो हूँ इसके रिम टायर जो हैं वो चेंज करूं। तो देखते हैं वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जो है वो होता जाएगा, इंशाल्लाह करते जाएंगे। तो बाकी इस गाड़ी का नाम क्या रखें हम लोग, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो सजेस्ट करें कि इसका नाम क्या रखा जा सकता है। तो बाकी बस यही है। और जो इस गाड़ी का जो प्लेयर है वो मैं इतना कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं समझा सकता आपको कि इस गाड़ी की मतलब क्या फीलिंग है यार, ये जहाज गाड़ी है। तो बाकी अभी फिर इसका एक छोटा सा मांडा मार के दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आगे ड्रिफ्ट वगैरह डोनेट्स ये सब आएंगे। तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को, और भाई को सपोर्ट करनी है। उसके अलावा बाकी बस यही था एज सच। तो अभी चलते हैं इसका छोटा सा मांडा एक और मारते हैं। तो जैसे ही रोड, अभी तो फिलहाल रोड ख़राब है यहाँ पे थोड़ा सा, तो आगे रोड सही आता है तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो है इंशाल्लाह करते हैं। तो जी रोड आ गया है। अभी एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और एक हाथ से मांडा मारना, वेरी डिफ़िकल्ट, फिर भी करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ जहाज, व्हाट अ कार, एंड गाड़ी है यार, एंड गाड़ी है।
बाकी इसके डोनट्स वगैरह भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करते हैं हम, इसके सीन्स वगैरह करते हैं, इसके साथ रेसेस भी करेंगे। इसको मैंने अभी स्ट्रेट पाइप भी करवाना है, स्टेज वन तो ये ट्यून हुई हुई है, स्टेज टू इसको ट्यून करवाना है। ये धुआं पता नहीं कहाँ से आ गया है, किसी ने आग जलाई है मेरे ख्याल से। तो बाकी इसको ये सारी चीज़ें करनी है, तो बस आपने भाई को सपोर्ट करना है। आपका सब्सक्राइब लाइक और शेयर जो है ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने पे। तो बाकी कमेंट में भी मुझे बताना है कि इसका नाम क्या सजेस्ट करना है। तो बाकी फिर अब चलते हैं गाड़ी। तो जो इंट्रो करना था मैंने और जो आपको गाड़ी का बताना था वो तो मैं बता चुका हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाकी इसके सिनेमैटिक्स भी मैं डाल दूंगा बीच में, या आपने सिनेमैटिक्स भी देखने हैं, एंजॉय करना है उसको भी। तो बाकी अब चलते हैं गाड़ी, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।